नगर परिषद सीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता को कई बार अवैध कनेक्शन की शिकायतें मिल रही थी और वैध नल कनेक्शन वालों ने भी नगर परिषद आकर ज्ञापन दिया था कि वैध कनेक्शन हटवाए जाएं, जिसको देखते हुए सीएमओ वार्ड क्रमांक 3 में स्वयं पहुंचे और देखा वहां जितने भी अवैध कनेक्शन हैं, जनता की समस्या को देखते हुए चिलचिलाती धूप में खुद सीएमओ अनिल कुमार गुप्ता ने वार्ड में खड़े होकर कनेक्शनों की कटवाई करवाई। टीकमगढ़ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आप वार्ड में निकले हैं, यहाँ पर पीड़ित हो रही, कुछ लोगों ने वार्ड नंबर 3 में आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ नल नहीं आ रहे हैं, कुछ अवैध कनेक्शन, उस पर क्या कार्रवाई की? मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि हर घर तक पानी पहुँचे, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा है हर कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे, और उसी क्रम में मैंने देखा कि हमारे खड़गापुर में भी थोड़ी बहुत समस्या है, लोगों ने अवगत कराया अवैध कनेक्शन के कारण हम वैध कनेक्शन वालों को पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने पूरा हमला लेकर के और अपने पुलिस बल की सहायता से, नगरीय निकाय के अमले की सहायता से, माननीय कलेक्टर महोदय की जो दिशा निर्देश है कि हर एक व्यक्ति को पानी मिले, उसी निर्देश के पालन में आज बहुत सारे हमने अवैध कनेक्शन वालों को उनके अवैध कनेक्शन काटे हैं और आम जनता को पानी दिलाने की जो हमारी प्रतिज्ञा है, जो हमारा विचार है और जो सरकार की इच्छा है उसके तहत कार्य किया है। क्या जुर्माना भी? निश्चित रूप से जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे थे उनको एक दो बार पूर्व में नोटिस दे चुके थे और उन पर जुर्माना भी किया जाएगा और जो भी हमारे एक्ट में है उस एक्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे। सर जी, कब तक कार्रवाई की? यह निरंतर रूप से आज से ये कार्रवाई शुरू हो गई है और ये निरंतर चलेगी जब तक कि अवैध कनेक्शन खत्म नहीं हो जाता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।